नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ का 76वां वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 246,94,00,000 रुपए का बजट पारित किया गया। नैनीताल दुग्ध संघ सामान्य निकाय अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा नैनीताल जनपद में दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। इसमें शीघ्र ही लाल कुआ में 1,00,000 लीटर दैनिक क्षमता का आधुनिक डेयरी प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पशुपालकों को उनके दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी उचित रखरखाव हेतु घर पर ही इलाज किए जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 3 विकास खंडों में 3 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा चुका है। शीघ्र ही अन्य विकास खंडों में भी एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। 100 करोड़ से भी ऊपर 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नया हम यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं इसका, जिसमें हम देश के अन्य जो उत्पादों से बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं वो भी हम आ रही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके समकक्ष उनके साथ कंपटीशन करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं। तो वो लाल कुआं में हमारा लगेगा इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ी धनराशि केंद्र सरकार ने दी है, मैं माननीय मोदी जी को और केंद्रीय मंत्री जी को हम अपनी बधाई देते हैं, अपने यहाँ के मंत्री जी जो हमारे दुग्ध संघ के हैं तथा यहाँ के जो मुकेश चेयरमैन, ये बधाई के पात्र हैं कि एक एक चीज को ये केंद्र में लाते रहते हैं और केंद्र सरकार एक मिनट नहीं लगाती। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि सामान्य निकाय अधिवेशन पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय को और अधिक सशक्त किए जाने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके भविष्य में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के दिशा निर्देश पर 1 वर्ष में दुग्ध दरों में 8 रुपए की वृद्धि की गई है और दुग्ध मंत्री के निर्देश पर आगामी 25 अगस्त से दुग्ध उत्पादकों के दूध दरों में 1 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया। इस विभाग के मुखिया माननीय सौरभ बहुगुणा जी दुग्ध विकास मंत्री ऊपर रखो, तब से निरंतर आंचल ने नई नई उपलब्धियां हर क्षेत्र में पाई है, चाहे वो टेट्रा पैक के क्षेत्र में हो चाहे आइसक्रीम के क्षेत्र में हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबके माध्यम से ये जानकारी देते हुए, माननीय सौरभ अगुणा जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम पहली बार माननीय सौरभ अगुणा जी के निर्देश पर कि दुग्ध उत्पादकों की दरें बढ़नी चाहिए 8 रुपये प्रति लीटर, हमने 1 वर्ष में माननीय सौरभ अगुणा जी के निर्देश पर दुग्ध उत्पादकों के दाम बढ़ाए और हमने प्रदेश के लगभग 52,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।